हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं TGT फिजिक्स लेक्चर नंबर 14। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सेलों के संयोजन के बारे में देखा था, और वहां पे मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे मेरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, आपको मैं सारे इन पे जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं सब मैं आपको हर एक टाइप्स के न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा। पहले मेरी आप बातों को ध्यान से सुनिएगा। आपके जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको कैलकुलेट करने में टाइम लगे। आपको जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बहुत टेक्निकल न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, और थ्योरी से तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कुछ मैंने एक क्वेश्चन भी इधर नोट डाउन किया है जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, यानी 2011 के क्वेश्चन हैं, तो उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आइए हम लोग देख लेते हैं एक परिपथ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे अगर आपको परिपथ मिल गया तो। चलिए, इस सर्किट को आप लोग देखिए, और आप देखकर इस सर्किट को पता चल चुका होगा आपको कि ये जो परिपथ है सब किस में कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये कनेक्टेड है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन, समानांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन, और मिश्रित क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन के सारे फॉर्मूले आपके सामने मैंने रख दिया था। अब अगर आइए यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, ध्यान से देखिएगा। उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित श्रेणी क्रम में जुड़े तीन सेलों के संयोग का तुल्य विद्युत वाहक बल तुल्य आंतरिक प्रतिरोध व 6 ओम के बाह्य प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए। ये श्रेणी क्रम में है और कह रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित जितने भी आपके ये विद्युत वाहक बल हैं, अगर मान लो हम लोग बात करें बैटरी सेल में हमारे फर्स्ट का जो विद्युत वाहक बल है वो 2 वोल्ट है, और सेकेंड का 3 वोल्ट है, और थर्ड का जो है 4 वोल्ट है, और इसका जो रेजिस्टेंस दिया है इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दिया है, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 0.5 ओम, और इसका इंटरनल ओम रेजिस्टेंस दिया आपको 1.5 ओम, और जो इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है आपको 6 ओम दिया है। और मैंने अपने थ्योरी में सारी चीज़ों को आपको मैं डिस्कस किया हूँ जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा था वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, अगर बात करें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहला नंबर कह रहा है कि संयोग का तुल्य वैद्युत वाहक बल यानी तुल्य टोटल वैद्युत वाहक बल कितना होगा, EMF कुल EMF कितना होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, यानी टोटल विद्युत वाहक बल की बात कर रहा है, तो देखिए E1 कितना है, यानी E पूछ रहा है हमसे, आपको क्वेश्चन पूछ कर रहा है और आपको दिया क्या है, ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो अगर बात करें, अगर यहाँ पे बैटरी सेल जो हमारा फर्स्ट है इसका विद्युत वाहक बल कितना है, E1 कितना है आपका, 2 वोल्ट है। E2 कितना है आपका, देखिएगा ध्यान से, 3 वोल्ट है, और E3 कितना है, 4 वोल्ट है। अगर अब आपसे टोटल आपसे विद्युत वाहक बल ई की बात करें, तो आप क्या करिएगा, ई इक्वल टू आपका हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। समझ रहे हैं बातों को। अब देखिए आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 3 + 4 यानी 3 × 2 = 5, 4, 9 वोल्ट, यानी टोटल जो आपका विद्युत वाहक बल आ गया, विद्युत वाहक बल वो कितना हो गया आपको, 9 वोल्ट। अब आपसे क्या कर रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध यानी कुल तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आपसे कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस का मान बता दो कितना होगा, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस का मान बता दो, टोटल कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। और मैंने आपको बताया था आंतरिक प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। तो यहां पर देखिएगा इसमें कितना है, आपसे R पूछ रहा है, आपको R1 कितना दिया है, देखिएगा सेल फर्स्ट का जो रेजिस्टेंस दिया है वो 1 ओम दिया है, सेल जो सेकेंड है इसका जो रेजिस्टेंस दिया है वो कितना है आपको, R2 कितना दिया है, देखिए 0.5 ओम, और R3 का मान कितना दिया है आप देखिएगा ध्यान से, 1.5 ओम। तो ये बता दो, हमने बताया था कि जब श्रेणी क्रम में यानी जब सीरीज में रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जुड़ जाता है। मैंने आपको टोटली फार्मूला लिखवा दिया है, आपको एकदम
घबराने की कोई जरूरत नहीं, उसको यूज कैसे करते हैं अब देखिए। अगर ये तीनों सेलों का तुल्य प्रतिरोध कुल प्रतिरोध की बात करें तो आप R इज इक्वल टू क्या करिएगा, R1 प्लस R2 प्लस, आपको करना कुछ नहीं है, यहां पर मैं लिख रहा हूं R इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए यहां पे क्या है, 1 ओम है, 0.5 है, 1.5 है, तो ये टोटल आपका जो R इक्विवेलेंट मिल जाएगा आपको 3 ओम मिल जाएगा, यानी 1 ओम प्लस 0.5 ओम प्लस 1.5 ओम। अब अगर टोटल R की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 ओम। और भाई यहां पे आपको ये भी दिया है, एक्सटर्नल प्रतिरोध आपको कितना दिया है, 6 ओम, यानी बाह्य प्रतिरोध कितना दिया है आपको, 6 ओम। बाह्य प्रतिरोध 6 ओम है। तब ये बता दो, इस आप ये सोचो इस पूरे सर्किट का आपका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो जितना इंटरनल प्रतिरोध आया और जितना आपका एक्सटर्नल प्रतिरोध है वो दोनों को जोड़ दीजिए, तो आपका जो टोटल इंटरनल टोटल आपका जो कुल प्रतिरोध की बात करेंगे इस परिपथ का, कुल प्रतिरोध आपका कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 + 3 इक्वल टू 9 ओम। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा, देखो न्यूमेरिकल्स कितना आसान है यार, अगर आप थ्योरी अगर पढ़े हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स एकदम इजी, एकदम आपको एकदम आसान लगेंगे, अगर आपने थ्योरी अगर पूरा एकदम ध्यान से पढ़ा है तो। नहीं तो भाई देखो ये क्वेश्चन तो बहुत टफ होते हैं, क्योंकि हवा नहीं लगता है, बहुत मुश्किल वाले सब ये सब क्वेश्चन है जब आ जाता है एग्जाम में। तो अब यहाँ पे देखिए आपको टोटल आपको क्या हुआ, टोटल विद्युत वाहक बल मिल गया और टोटल आपको रेजिस्टेंस मिल गया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये दोनों मिल जाए तो मैंने प्रतिरोध के जब सेल पढ़ा रहा था तो वहाँ पे आपको मैं करंट निकालने का एक फार्मूला बताया था, परिपथ में टोटल विद्युत धारा कितनी फ्लो होगी उसके लिए मैंने बताया था, लिखिएगा परिपथ में कुल वैद्युत धारा I इजकल टू ई अपॉन R, यानी कुल विद्युत वाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध। मैंने ये बताया था ना आपको कि अगर इस परिपथ में कुल विद्युत धारा निकालना होगा तो आप क्या करिएगा, टोटल वोल्टेज टोटल विद्युत वाहक बल को ऐड करिएगा और इसके बाद क्या करेगा, जितने कुल प्रतिरोध आएगा उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको इस परिपथ में प्रवाहित टोटल विद्युत धारा का मान ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए आपने टोटल यहां से विद्युत वाहक बल कितना प्राप्त किया है, 9 वोल्ट, और आपने इस परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस कितना प्राप्त किया है, 9। तो अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यानी E का मान आप रखिए 9 और आप R का मान क्या रखिए, 9, ठीक है। तो I इजकल टू आपको क्या हो जाएगा, 9 से 9 यानी 1 एम्पियर। तो इस परिपथ में टोटल विद्युत धारा कितनी प्रवाह होगी, 1 एम्पियर। आसान है कि नहीं ये बताइए, आप कमेंट करके जरूर बताइए आसान है कि नहीं, कितना आसान है। नहीं तो अगर ऐसे अगर आपको थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई होती तो ये कितना मुश्किल लगता, आप देखकर ही इसको छोड़ देते हैं यार है क्या, बहुत इसमें बहुत सारे वैल्यू हैं कैसे करेंगे। नहीं ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा रुक कपड़ा दीजिएगा, इसमें कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं और आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम वही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन थोड़ा सा इस सर्किट पे आप ध्यान रखिएगा, इस परिपथ में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, परिपथ में थोड़ा सा चेंजेज है। चेंजेज क्या है आप देखेंगे, खुद ही आपको पता चलेगा। चेंजेज आपका ये है,
देखिए आपको मैं दिखा दूं, आप ये जानते हैं कि श्रेणी क्रम में एक का ऋण टर्न मिला, दूसरे पहले सेल का जो निगेटिव टर्मिनल होता है फर्स्ट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, और सेकेंड सेल का नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो थर्ड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। यही तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन, मैंने आपको बताया था, डिफिनीशन भी बताया था लेक्चर में। अब देखिए यहाँ पे अब क्या है कि इस परिपथ में थोड़ा सा चेंजेज है। यहाँ पे देखिए इसका प्लस टर्मिनल, इसका माइनस, पहले जो हमारा पहली जो हमारी सेल है इसका जो हमारा निगेटिव टर्मिनल है दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, यानी हमारा क्या है ये जो परिपथ का कनेक्शन है थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है। और फिर इसके बाद इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज है, क्वेश्चन सेम ही है। वहीं आपको फाइंड करना है कि उपरोक्त चित्र में इसमें अब इसको करना है, अब इसको छोड़ दीजिएगा, अब इसके लिए यही क्वेश्चन बन गया, थोड़ा सा केवल फिगर में चेंजेज हुआ और क्वेश्चन सेम ही है। जब फिगर में चेंज हुआ तो आंसर भी कुछ अलग आएगा, क्या आएगा अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। वही काम करना है जो आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किए हैं, और वही क्वेश्चन है उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित श्रेणी क्रम में जुड़े तीनों सेलों के संयोग का तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल आंतरिक प्रतिरोध व 6 ओम, यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस वो 6 ओम है, व 6 ओम के बाह्य प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए। सब सेम क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे जो अर्थात हम बोल सकते हैं जो E2 है ना, ये कैसे जुड़ा है आपके परिपथ में, उल्टा जुड़ा है। E2 क्या है परिपथ में, उल्टा जुड़ा है, जुड़ा है कि नहीं बताओ। E2 देखो इसको होना क्या चाहिए था, इसके निगेटिव टर्मिनल को इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं, ये उल्टा जुड़ा है ना। तब आपका कुल EMF या विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, उसके लिए आप देखिए तो कुल EMF आपका हो जाएगा, कुल EMF आपका हो क्या जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, यानी आपका अगर कुल EMF E की बात करें तो आपका हो जाएगा E1 माइनस E2 प्लस E3, ठीक है। यानी आपका कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, E1 माइनस E2 प्लस E3, या आप इसको ऐसे देखो, हम आपको एक सिंपल चीज बता रहे हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लिखिए E1 माइनस E2, अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 प्लस 3, यानी सेल फर्स्ट का विद्युत वाहक बल कितना है, 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा, सॉरी यहाँ पे 2 लिखेंगे, और E2 को क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, प्लस क्या हो जाएगा आपको 4, समझे कि नहीं आप, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए आपको क्या मिलेगा, अब आपको 2 माइनस 3 प्लस 4, अब देखिए तब दो में से माइनस 3 करिएगा तो -1 प्लस 4, यानी 3 ओम आपको आ गया, 3 वोल्ट आपका विद्युत वाहक बल कितना आ गया, 3 वोल्ट आ गया। अब इस परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध आप गणना कर लीजिए, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध आप तो आराम से निकाल सकते हैं भाई, देखो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 3 3 कितना हो जाएगा, ये 6, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 1 और 2 3 और 3 6, यानी कुल आपका आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध आपका हो जाएगा R=1 2 3, यानी आपको 6 ओम मिल गया आपका कुल आंतरिक प्रतिरोध। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं। अब क्या कह रहा है कि अब देखो इस परिपथ में कह कह रहा है, ध्यान से सुनना, कह रहा है कि परिपथ में आपको 6 ओम का बाह्य प्रतिरोध जोड़ा गया है। इस परिपथ में क्या किया गया है, 6 ओम का बाह्य प्रतिरोध भी जोड़ दिया गया है।
तो अब आपको धारा का मान बताना है। तो अब इस परिपथ का कुल प्रतिरोध गणना कर लीजिए, परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब देखिए, अगर परिपथ के कुल प्रतिरोध की हम लोग बात करेंगे तो आपका बाह्य प्रतिरोध कितना है, 6 और 6 ए, यानी कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 यानी 12। अब कह रहा है कि अब आप ज्ञात करिए कि परिपथ में कितनी धारा बह रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिपथ में कितनी धारा बह रही है उसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैंने आपको बताया परिपथ में कुल धारा, कुल धारा आई इजकल टू आपको करना है ई अपॉन आर, यानी कुल विद्युत वाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल आपने कितना फाइंड कर लिया, E1 माइनस E2 प्लस E3 किया कि नहीं, यानी टोटल आपको आ गया 3 वोल्ट। अब आपको E अपॉन R कर लेना है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए आपको होगा क्या, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कुल E का मान हो गया 3 और कुल प्रतिरोध कितना हो गया आपका 12। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पे लगा दीजिए 0.2, आप देखो इसको 3 को डिवाइड कर दो 12 से, अब यहाँ पे आप कुछ नहीं है तो 0.0, यहाँ पे 0 लो, 12 दुना के 24 हो गया, अब कितना बचा 6 0, 12 5 8, यानी टोटल आपकी जो करेंट इस परिपथ में हो जाएगी 0.5 एम्पियर हो जाएगी। ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, आपको बातें क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रही कि नहीं, यानी इस परिपथ में जो, अब देखो अगर हम लोग सेलों को अगर उल्टा अगर जोड़ देंगे तब पर भी हमारी विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे सेलों को हमने जोड़ा तो यहाँ पे हमारे विद्युत धारा का मान कुछ और आया और यहाँ पे जोड़ा तो कुछ और आया, ठीक है। ये आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है, अच्छे से देखना है। अगर थ्योरी आपकी क्लियर है तो न्यूमेरिकल्स आपके लिए एकदम आसान हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स में आपको करना ही कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल्स तो यार बहुत ईजी होते हैं अगर आपने थ्योरी अच्छे से क्लियर किया है तो। आपको अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर दूंगा आपके जितने भी डाउट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन 2011 आपके एग्जाम में आया हुआ, 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 और क्वेश्चन नंबर आपका 5, ये तीनों आपके 2011 के एग्जाम में पूछे गए हैं तीनों क्वेश्चन। देखो भाई कह रहा है परिपथ के ए और बी बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा, ए और बी के बीच पूछ रहा है। अरे यार इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो एकदम आसान लगेगा। ये परिपथ क्या है, ये देखो ये श्रेणी क्रम में नहीं है, सुनना, अगर मान लो इधर से करंट जा रही है तो इधर भी जा सकती है, इधर रेजिस्टेंस है इसमें भी कुछ जाएगी फिर इधर भी जा सकती है। ए और बी के बीच हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये परिपथ अगर इसको हम लोग अगर सही से देखें तो ये परिपथ ऐसे नहीं है, ये परिपथ इस टाइप्स का है, कैसे देखिएगा ध्यान से, ये जो परिपथ बना है ये इस टाइप से बने हैं। अब अगर आपको ऐसे फिगर दे दिया होता तो आप ज्ञात कर लेते, थोड़ा सा आपको घुमाया कि आपने चकमा खा गया। अगर आपने थ्योरी मेरा पढ़ा है, लेक्चर आपने देखा है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब एकदम बहुत आसान दे सकते हैं, एक मिनट में केवल देखिए और उत्तर मार दीजिए इसका। अब देखिए अब ये कौन सा क्रम हो गया, अब श्रेणी नहीं अब ये समानांतर क्रम है। इस फिगर को अगर आप खोलिएगा ओपन करिएगा तो ये इस टाइप में दिखेगा। अब यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब यहाँ पे जो प्रतिरोध का मान है, मैंने प्रतिरोध का मान नहीं लिख पाया है, अभी मैं आपको एक मिनट बताता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे परिपथ का जो होगा वो हमारा प्रतिरोध का मान मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए तीनों परिपथ में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 3 ओम है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग था,
ये भी 3 ओम है और ये भी 3 ओम है, ठीक है। अब इस परिपथ का तुल प्रतिरोध कहाँ बताना है, किस पॉइंट पे, ए और बी के बीच में। अब देखिए समानांतर क्रम में, और समानांतर क्रम में कैसे निकालते हैं, 1/R equivalent इक्वल टू होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, आपको हमने टोटली बताया है ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। और यहाँ पे R1, R2, R3 सबका मान क्या है, ये भी 3 ओम हो गया, ये भी 3 ओम हो गया, ये भी 3 ओम हो गया, 3, 3, 3। अब किस में है, सब आपके समानांतर क्रम में है, तो R equivalent इक्वल टू कहाँ हो जाएगा, 1/3 + 1/3 + 1/3। तो आप यहाँ से आप करेंगे क्या, 3, 3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका 3 और 1 + 1 + 1, आप जब इसको करेंगे डिवाइड करेंगे और 3 × 1 = 3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ऐसे ही यानी आपका टोटल 3/3 यानी आपका जो रेजिस्टेंस आएगा क्या होगा, 1। आपका विकल्प नंबर फर्स्ट सही होगा, ठीक है। ऐसे ही आपके 2011 में ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। उसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 भी है, ये भी आपके एग्जाम में 2011 में आया हुआ है क्वेश्चन, और कह कह रहा है, सुनिएगा, देखो आपके एग्जाम में कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं यार, आपको इतने डीप में क्वेश्चन नहीं आते। आप मैंने बताया ना, थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल टाइप्स के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पे आप दिमाग लगा सको, ठीक है, कि उनको तुरंत एकदम सॉल्व कर सको। इसमें क्या था, अगर आप अगर थ्योरी कंप्लीट पढ़े हैं तो 1 सेकेंड भी टाइम नहीं लगता इसको उत्तर देने में, आप देखते और इस पर टिक कर देते। अब देखिए अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो कह रहा है 1.25 वोल्ट और 0.75 वोल्ट के दो सेल समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो तुल्य वोल्टेज का मान होगा, समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं यार, तो तुल्य वोल्टेज क्या हो जाएगा। यानी आपको कुछ नहीं करना है, देखो आपके एग्जाम में आए हुए 2011 में आए हुए क्वेश्चन है, कितने आसान हैं, ठीक है। अब कुल वोल्टेज ए इक्वल टू कर लो E1 + E2, पहला क्या है 1.25 है, कर लो 1.25 प्लस, दूसरा क्या है 0.75, अब इसको दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा, तो ऐड करोगे तो 2 वोल्ट हो जाएगा आपका उत्तर। इसमें विकल्प नंबर आपका कौन है, सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये 5 × 5 = 10 के 0, 7 × 2 = 9, 1 = 10 के 0, 1, 1 = 2 हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा आपका। देखो कितने आसान, कितने आसान क्वेश्चन है, और मैं अपने थ्योरी में टोटल फार्मूला आपको बताते आया हूँ और टोटली कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, आप आंसर दे लेंगे। चलिए ये भी 2011 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है, और मैं दोस्त आपको स्टार बनाकर लिखवाया हूँ नोट्स में, और मैंने बहुत अच्छे से इस पर एक्सप्लेनेशन दिया था आपको कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है, पहला दिया है आपका विकल्प इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर, बी में दिया है इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर, और सी दिया है इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, और डी दिया है सभी पर। तो अगर आपसे बात करें हम लोग, तो इसका आंसर होगा आपका डी, सभी पर निर्भर करता है। और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, आप अपनी थ्योरी को थोड़ा सा याद करिएगा, जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी होता है। और मैंने ए बताया था आपको कि ये जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है एरिया के क्या होता है, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के होता है, ये चीज़ें मैंने आपको बताया था। और देखिए आप कैसे बोलेंगे कि सेल इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रोड भी अलग अलग मैटर के बने होते हैं, अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं, जिनका कुछ ना कुछ अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। ऐसा नहीं कि अगर हमने कॉपर का बनाया, एल्युमिनियम का बनाया, जिंक का बनाया, ठीक है, कैंडियम का बनाया, तो सब एक मेटल्स हैं और सबका एक अपना अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर भी क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध हमारा निर्भर करता है, और ये क्या होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी होता है, यानी इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी जितना बढ़ेगी उतना ही आपका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा,
यानी दोनों बढ़ेंगे, यानी अगर मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये आपके उनके बीच की दूरी भी बढ़ेगी। चीज़ों को आप ध्यान से नोट करिएगा। यानी आप बोल सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच को, बीच की अगर दूरी को बढ़ा, यानी इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को बढ़ाया जाए तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा उसी रेशियो में। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/a के, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया के। यानी आप इलेक्ट्रोड की एरिया बढ़ाएंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर आपने क्या किया, एरिया बढ़ाया तो रेजिस्टेंस, सॉरी आपने क्या किया, एरिया को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा। अगर आपने इंटरनल रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो एरिया का मान क्या होगा, कम होगा। अगर आपने क्या कर दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया तो आपका जो एरिया होगा, एरिया का मान कम होगा। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यानी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो दोस्त आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे लेक्चर आपको कैसा लगा और मेरा प्रयास कैसा रहा आपके लिए। चंद्रा इंस्टीट्यूट हर टाइम आपकी सहायता के लिए अवेलेबल है। अभी तो हमारा लेक्चर चल रहा है, मैं अपनी अभी टोटली टॉपिक कंसिडर कर रहा हूँ और कुछ टॉपिक के मैं प्रैक्टिस आपको इसी माध्यम से प्रोवाइड कराते रहूँगा, ठीक है। अगर जितने भी दोस्त अगर हमारे इच्छुक हैं TGT क्लास लेने के लिए, TGT साइंस, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जाकर आप अपना मैसेज, अपना इंक्वायरी ले सकते हैं दोस्त। तब तक के लिए दोस्त आज यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।